नमस्कार। पहले आप लोग को धन्यवाद है कि आज ये जो बहुत इम्पोर्टेंट समस्या में आप लोग हमसे डिस्कस करने आया। परसों हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी सातवां बार अपना बजट पेश किया है और सातवां बार बजट हमारा हिसाब से फेल्ड है। देखिए, हम मेरा पर्सनल ओपिनियन बोल रहा है, ये पार्टी का ओपिनियन नहीं है, ये किसी का नहीं है, एज इंडिविजुअल हम बता रहा है। देखिए, आज बजट का एक आप देखने से आपको मालूम होगा कि मैडम जी ने हेल्थ सेक्टर, ये आज पब्लिक क्या चाहता है? अच्छा हेल्थ, अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छा खाना, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेन। ये चार चीज में आप देखिए मैडम ने क्या किया है। बोल रहा है कि 15,000 रुपया देगा अगर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट होगा तो, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट देगा, वो एक साल के अंदर में वो आदमी नौकरी छोड़ देगा, फिर वापस वो 15,000 वापस लेगा। इतना कॉम्प्लिकेट लाइफ को कर दिया है। पहले क्या था कि कांग्रेस का रेजिम हम लोग देखता था कि बजट पेश होगा तो हम लोग का दिल में एक आशा होता था, आज वो आशा नहीं है। हेल्थ सेक्टर में देखिए, मैडम जी ने हेल्थ सेक्टर में आज बहुत बड़ा बात है, टोटल बजट का 1.85% दिया है, वेरस इंटरेस्ट पेमेंट 21% है। टोटल बजट में आपका इंटरेस्ट, मान लीजिए कि आप जितना लोन लिया उसका 21% आप इंटरेस्ट बांध रहा है, और हेल्थ में 1.85% दिया है, डिफेंस में 9.43% दिया है। आप देखिए, हम इसको दो पार्ट में करेंगे, एक तो नेशनल इंटरेस्ट, एक तो आइलैंडर्स का इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में आप क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक हवा में चल रहा है आपका। आज आप जो भी किया है मनरेगा में, आप ये नहीं कि अंडमान का स्पेसिफिक मनरेगा बहुत मदद किया, जो जो रूरल एरिया में व्यक्ति लोग बिना नौकरी घूमता था, मनरेगा बहुत सपोर्ट किया। आज आप मनरेगा में क्या दिया था? आप मनरेगा में जो जो फंडिंग था, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था, वो भी नहीं दे रहा है। 2023-24 को एक्चुअल एक्सपेंडिचर में आप मनरेगा का आप नहीं दे रहे। डिफेंस बजट तो होना ही है, ठीक है। टूरिज्म में देखिए, टूरिज्म में आप पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स और ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए, जितना भी टूरिज्म, केरला, तमिलनाडु, आप मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जितना भी स्टेट है टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। टूरिज्म का बजट 0.01% आप बढ़ाया, कैसे डेवलप करेगा टूरिज्म? कैसे आप नौकरी इंक्रीज करेगा? आप सोच के देखिए, टूरिज्म रिलेटेड आपको आप बोलता है ट्रस्ट देगा, ट्रस्ट कैसे देगा? 0.01% का आप इंक्रीज आप किया है। ट्राइबल वेलफेयर का प्रधानमंत्री जी ने अच्छा एक स्कीम, वो तो उसको तो मतलब योजना 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 चलता ना, अभी वो क्या योजना है? पीएम जनमन योजना ट्राइबल वेलफेयर के लिए। हम आपका माध्यम से ये बोलने मनता कि प्लीज़ वो जनमन योजना हमारा निकोबारी भाइयों का, हमारा बाकी ट्राइबल भाइयों का, देखिए हमारे पास 6 ट्राइबल सेटलमेंट्स है, ग्रेट अंदमनीस है, ओंगेस है, निकोबारीस है, शोमपन है, जारवा है, सेंटिनलिस्ट है, सेंटिनलिस्ट को छोड़िए, बाकी जगह में ये जो जनमन योजना जो ट्राइबल का परकुलेट होना बहुत ज़रूरी है, उसमें बजट प्रोविजन इन लोग दिया है। और ये तो कुर्सी बचाओ बजट है, सब मालूम है, हमारा राहुल गांधी जी तो बोला है कुर्सी बचाओ बजट है। 15,000 करोड़ रुपीस आप दे दिए आंध्रा को, 58,900 करोड़ दे दिया बिहार को। बजट प्रोविजन में आप दो स्टेट को मेंशन करके दे रहा है,
हम क्यों बाकी स्टेट को मेंशन नहीं किया? तमिलनाडु में हाल ही में इतना बड़ा फ्लडिंग हुआ, इतना बड़ा साइक्लोन हुआ, हम उसके लिए आप फंडिंग नहीं दिया। उधर में तो आदमी रहता ना, जानवर तो नहीं है ना, उधर में भी तो आदमी रहता है, उन लोगों को भी तो फंडिंग का ज़रूरत है। एजुकेशन सेक्टर में लास्ट बजट में जो था अभी भी वही है, बजट प्रोविजन इंक्रीज करना था, क्योंकि आप जो नीट का जो घोटाला किया है, क्योंकि नीट का आप प्रोटेक्शन करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए, नीट का सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए, वो फंडिंग किधर से लेकर आएगा? आज फार्मर्स नहीं है इंडिया नहीं है, ये याद रखिए, फार्मर्स नहीं है इंडिया नहीं है। वो बड़ा फार्मर होने दीजिए, मार्जिनल फार्मर होने दीजिए, फार्मर्स आर दी बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। आप उन लोगों को भी आप सपोर्ट नहीं किया, आप तो माइनॉरिटी अफेयर्स जो अगेन अंडमान का रिलेटेड है, जो माइनॉरिटीज हमारे पास है मोर देन 20% अंडमान के अंदर में माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज अफेयर में जो जो आप लोग दिया है वो भी अंडमान के अंदर में परकुलेट होना चाहिए। स्पोर्ट्स के बारे में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आज ड्रग्स एंड स्पोर्ट्स आर इंटर रिलेटेड। आप ये नहीं बोल सकता कि स्पोर्ट्स अलग है ड्रग्स अलग है, स्पोर्ट्स कमती होएगा ड्रग्स ज़्यादा होएगा, स्पोर्ट्स ज़्यादा होएगा ड्रग्स कमती होएगा। अंडमान के अंदर में आप सुनने से बजट है 0.001 कुछ परसेंट है स्पोर्ट्स के लिए अलॉटमेंट अंडमान के लिए, जिधर में आज हमारा फुटबॉल टीम गया है, मेंस बॉयज़ भी गया है गर्ल्स भी गया है फुटबॉल टीम, उन लोग अपना पैसा कच्चा करके गया। एडमिनिस्ट्रेशन खबरदार आप बात सुनिएगा, सब गरीब बच्चा लोग है, क्योंकि आपके पास स्पोर्ट्स के लिए फंड नहीं है। नेशनल लेवल में जब फंडिंग नहीं दे रहा आपको, इधर में भी तो वही हाल होगा। आपको गोल्ड मेडल चाहिए, अभी दो दिन में तो ओलंपिक्स शुरू हो रहा है, आप देखिए क्या रिजल्ट हम लोग लेके आना चाहिए। इतना बड़ा नेशन है, वर्ल्ड में नंबर 2 में पॉपुलेशन में, नंबर 10 के अंदर में तो हम लोग गोल्ड मेडल मेडल्स में आना है। आप ये बजट को एक होलिस्टिक व्यू में देखिएगा तो ये बजट टूक पॉलिश बजट है, एक बजट टूक पॉलिश बजट। किसके लिए फायदा है? देखिए आज क्या है, महंगाई, आज महंगाई, हमारा औरत लोग जो 80 रुपया में तेल लेता था अभी 200 रुपया हो गया, इसको क्या कंट्रोल करेगा वो उसका बारे में बात नहीं किया। हर एक 10 दिन में पेट्रोल का डीजल का दाम बदली होते जा रहा है, इसलिए महंगाई को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है। सब्सिडाइज्ड जब तक पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा महंगाई को आप ये नहीं कर सकता। आपको बाकी आईटी सेक्टर है, मतलब होम अफेयर्स है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, फर्टिलाइजर के बारे में तो हम आपको बोल दिया है, पेंशन भी तो नेगेटिव में जा रहा है, शिपिंग और इसका जो एरोप्लेन का आप बजट कुछ दे रहा प्रोविजन, उसमें गरीब का तो नौकरी मिलना नहीं है, आप गोल्ड का टैक्स कमती कर दिया, उसका गरीब का मुंह में तो काना नहीं जाना है। आप गोल्ड और डायमंड और सिल्वर का दाम कमती करके, टैक्स कमती करके कौन खरीदता गोल्ड? आज जो जो पैसा एक्स्ट्रा फलतू है जिसको आप जेब में स्टोर कर सकता है, मतलब ये इतना 10 बंडल स्टोर करने के बदले में एक छोटा सा एक गोल्ड पीस जेब में रखेगा सर। अमीर के लिए तो अब ये बजट फुल्ली टूवर्ड्स अमीर, अब गरीब को लक्ष्मण रेखा इम्प्रूव करने का आपके पास कोई स्कीम नहीं है, अमीर का लक्ष्मण रेखा और ऊपर जाएगा। आप शिपिंग के लिए फैसिलिटी दे दिया, आप एरोप्लेन खरीदने के लिए फैसिलिटी दे दिया, ये बजट हमको समझ में नहीं आता है। मोदी जी ने बोलता कि 2047 तक ये बजट इफेक्ट होगा, लेकिन ये बजट गरीब के लिए अन्याय बजट है, बस यही हम बोलने मन था।
अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।